हरे सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद हरी सहनी जी का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो स्वागत कर रहे हैं हरी सहनी जी का। अलग अलग जगह स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हरी सहनी जी का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भीड़ है बीजेपी कार्यकर्ताओं की और हरी सहनी जी का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है हरी सहनी जी का। बड़ी संख्या में भीड़ है, स्वागत कर रहे हैं हरी सहनी जी का। हरी सहनी जी का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए भीड़ किस तरीके से हरी सहनी जी का स्वागत किया जा रहा है। हरी सहनी जी स्वागत किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। की बात है, एक उत्साह है अपने जिंदाबाद। अरे हर संगठन में ये रीत है, तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से जब कार्यकर्ता के बीच से चुनकर आते हैं तो लोगों को कितना असर होगा? बिल्कुल भारी असर होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका असर आप देख रहे हैं, परमात्मा के असीम अनुकंपा और हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यह मुझे दायित्व सौंपा गया है। अब मेरा काम है कि आज अपने मैं गृह जिला जा रहा हूं, अपने जिले के तमाम अभिभावकों से युवाओं से शुभकामना लूंगा, फिर बारी बारी बिहार के तमाम जिला में शुभकामना लेते हुए वह शुभकामना लेकर शक्ति अर्जित करूंगा और फिर उसी शक्ति से बिहार के जनता को के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, बिहार के जंगल राज को समाप्त करने के लिए उसके लिए ताकत रहूंगा। आपको बनाया गया है? अरे असर मैं क्या बताऊंगा, निश्चित रूप से एक बेहतर 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 अनिल जी आइए धर्मेंद्र जी। हाँ 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 वो अरे वो महान है, वो महान है, अरे वो महान है, वो महान है, वो महान है। सदियों से दस दस पीढ़ी नहीं दस युग से जन्म लिए होंगे ऐसा मान का आरोप लगा दिया। अरे वो जो है बिहार उनको कहता है बहुत बड़ा टिकट का खरीद बिक्री करने वाला व्यापारी, वो अपने बारे में नहीं कह रहे हैं और मेरे बारे में कह रहे हैं। अरे हर दल के लोग उनके बारे में पूछते हैं कि बड़ा व्यापारी है, हम पर लगा रहे हैं आरोप। ये बात उन्हीं से जाकर पूछिए कि आप जो गंगा जल हाथ में लिए हुए हैं, आप गंगा जल हाथ में लेके कह दीजिए कि मलाहों के नाम पर निषादों के नाम पर जो आपको 11 टिकट मिला था, क्या पूरा का पूरा आप मलाहों के हक को बेचने का काम नहीं किया क्या? इसलिए वो जो कह रहे हैं उनके बातों का मत ध्यान। तो आपने देखा है क्या कुछ कहा है उन्होंने, देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता बीजेपी के नेता हैं वो उतरे हुए हैं। इस दौरान मुकेश सहनी को लेकर कई सारी बातों को उन्होंने कह दिया है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि मल्लाहों के जो आरोप लगा रहे हैं कि कितने 11 टिकट पर कितने नेताओं को दिया, आरोपों पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है, कई सारी बातों को भी कहा।